हे दा लोविज हव यू ऑल कैसी लवीज आर्मी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हम लोग हर महीने कितनी सारी रेमिडीज करते हैं न्यू मुंडे फुल मुंडे प्रदोष और बहुत सारे रिचुअल्स हम लोग करते हैं अपनी अनगिनत विश को पूरा करने के लिए साथ ही साथ आज का जो वीडियो होने वाला है जहां पर मैं आपको महीने का एक ऐसा सबसे खास दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अब हम लोग इस दिन को भी बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे एज अ स्पिरिचुअल डे तो होता ही है लेकिन साथ ही साथ अब हम लोग इस दिन रेमेडीज भी करेंगे और क्या रेमेडी करना है कैसे करना है आज के दिन मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूंगी अगर आप इस रेमेडी को करते हैं या नहीं करते हैं अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि लाइफ में बिल्कुल ब्लॉकेजेस आ गए हैं बिल्कुल भी पॉजिटिव रिस्पांस चीजों का नहीं मिल रहा है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो लव लाइफ हो आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टक ही हूं मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं कोई भी विश हो कोई भी इच्छा हो किसी के भी लिए आप ये कर सकते हैं लेकिन करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ करना है तो ये दिन यूजुअली न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पर होता है और वो जब भी आता है मैं आपको रिमाइंडर तो दे ही दूंगी आप उसकी चिंता ना करें ये दिन है गणेश चतुर्थी का दिन जी हाँ गणेश चतुर्थी का दिन होता है और इस दिन आप सब लोगों को जैसे प्रदोष वाले दिन हम लोग तो शिवलिंग पर जाके हरा मूंग चढ़ाते हैं गुड़ चढ़ाते हैं ऐसी इस दिन हमें बस दो चीजें करना है दो भी नहीं कम से कम तीन चीजें करना है अब आप चॉइस आपकी है मैं तो आपको सारी चीजें बताऊंगी आप एक भी कर सकते हो दोनों भी कर सकते हो तीनों भी कर सकते हो लेकिन अगर कर रहे हो तो श्रद्धा के साथ दिल के साथ पूरे एफर्ट्स के साथ करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा अगर वेट करोगे जी हाँ अगर वेट करोगे चीजों का तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आ रहा है दैट इज नो रिजल्ट सो अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे रिजल्ट को बिल्कुल लेट को कर देना वेट नहीं करना है एंड अंतर आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा नाउ करना क्या है पहले अपने किसी एक थॉट प्रोसेस या किसी गोल के बारे में सोच लो जो आप ठीक करना चाहते हो वो आपकी फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंस हो सकते हैं करियर हो सकता है देखो इन टर्म्स ऑफ करियर के लिए मैं बोलूंगी बिल्कुल करना चाहिए लेकिन किसी भी चीज को लेकर अगर स्टक हो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको करें आप अपने घर के मंदिर पर बैठ जाए ठीक है गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं आपको रिमाइंडर डाल दूंगी आप उसकी चिंता ना करें और जैसे प्रदोष का दिन रिछ करते हैं वैसे ही आपको करना है सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर के पास बैठ जाए कोशिश करें जी हाँ हाईली रिकमेंडेड कोशिश करें कि घर पर ही करें अपने अपने घर पे आपका जो पूजा स्थान है जहाँ पर आपका का मंदिर है वहां पर बैठ जाए हम डैम श्योर सबके घर पे छोटे से गण गन, गणपति बप्पा तो होंगे ही जिनकी आप सब लोग पूजा करते हैं तो आपको गणेश जी को सबसे पहली चीज जो करनी है अपने मंदिर के पास बैठ जाइए पहले गणेश जी को आपको थोड़ी सी थोड़ी सी दूरबा चढ़ानी है दूरवा तो आप जानते ही होंगे आप सबके गार्डन में भी हो सकता है आपके घर की कॉलोनी में भी हो सकता है तो आपको इजीली मिल जाएगी मैं फोटो यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी आपको गणेश जी को सबसे पहले अपनी इच्छा बोलते हुए उनको दूरबा चढ़ा देना है उसके बाद वहीं बैठे बैठे आपको गणपति पप्पा का संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करना है हार्डली 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 फाइव टू सिक्स मिनट्स लगते हैं संस्कृत में होता है ये और जब आप इसको एक दो बार बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ये एक ऐसा सोत्रम होता है जो आपकी लाइफ के जो हर्डल्स होते हैं जो एकदम ब्लॉकेजेस बन चुके हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये उसको बिल्कुल सॉर्ट करना शुरू कर देते हैं नहीं बोल पा रहे तो आप यूट्यूब पर चलाकर भी चल, बोल सकते हैं एयरफोन्स लगाकर भी यूट्यूब में सुनकर भी आप उनको सुना सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिर्फ एक ही बार आपको स्तोत्रम का पाठ करना है और आपको बस अपनी दिली इच्छा उनको बोलना है मैम हम नहीं कर पा रहे स्तोत्रम क्योंकि थोड़ा ना कठिन है थोड़ा संस्कृत में तो हो सकता है लोग को बोली में प्रॉब्लम हो तो आप गणेश जी का सबसे फेवरेट मंत्रा ओम गण गणपत नमा का एक बार जाप करेंगे आई रिपीट ओम गण गन गणपतई नमः ओम गण गणपतई नमः ये सिर्फ और सिर्फ आपको उसी दिन करना है आई रिपीट सबसे पहले आप उनको दूरबा चढ़ाएंगे जब आप आपने उनको दूरबा चढ़ा दी उसके बाद आप या तो संकट नाशन गणेश स्त्रोत्र का पाठ कर लें या तो फिर आप ये मंत्रा चैंट कर लें आप तीनों भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो भी विषय है जो भी आपकी चाह है जो भी आपकी इच्छा है आपको बोलना है उनको और फिर आपको ये तीनों चीजें करना है पीरियड्स में नहीं करना है पीरियड्स में अवॉइड करना है जी हाँ बाकी नॉर्मल डेज में आप कर सकते हो घर के अगर आपके बच्चे हैं घर में स्टूडेंट्स हैं तो आप जरूर 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 उनसे तो करवाएं उनके फ्यूचर के लिए बेटरमेंट के लिए अब एक मेजर क्वेश्चन आएगा कि बस एक बार करके छोड़ देना है कि हमेशा करना है जैसे प्रदोष के रिचुअल्स आप करते हो न्यू मून फुल मून आप करते हो ऐसे हर महीने जब भी गणेश चतुर्थी आएगी आपको ये रेमेडी जरूर करना है जरूर 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 करना है और मैं तो बोलूंगी वेट मत करो क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके एफर्ट्स आपकी यू you नो know, श्रद्धा आपके भाव से माना जाता है तो आप जितने दिल के साथ करोगे बब्बा आपकी उतनी जल्दी इच्छा पूरी करेंगे बस ये तीनों चीजें कर दें उनको तीनों चीजें समर्पण कर दें वो तो ऑटोमेटिकली आपकी इच्छा सुनेंगे और धीरे धीरे आपको अपने हर्डल्स में ब्लॉकेजेस में अंतर दिखना शुरू हो नहीं लग जाएगा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जो लोग डेस्पिरेशन के साथ करते हैं उनको बहुत समय लग जाता है जो लोग दिल के साथ करेंगे उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा स्त्रोत्र पोस्ट कर दिया है आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं या आपको यूट्यूब पे गूगल पे कहीं पर भी मिल जाएगा वहां से भी देख सकते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई बहुत सारी मदर्स आती है अपने बच्चों के लिए तो आपको तो मैं बोलूंगी करना शुरू कर दीजिए आपको जरूर करना चाहिए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए जॉब प्रमोशन के लिए और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर लग रहा है लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हर चीज से बस जीरो मिलता जा रहा है मैं आपको बोलूंगी ये सबसे फॉरमोस्ट स्टेप है और गणपति पप्पा जी तो इन सबसे जल्दी जल्द हमें बाहर निकालते हैं तो आपको करना चाहिए मदर्स को स्पेसिफिकली बोलूंगी आप अपने हस्बैंड की जॉब के लिए भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी कर सकते हैं क्योंकि करियर में यह चीज बहुत जल्दी रिजल्ट दिलाती है तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं एक हैबिट बना के करें रिमाइंडर देने की जिम्मेदारी मेरी है रिमाइंडर मैं इंस्टाग्राम के थ्रू भी देती हूँ और इंस्टाग्राम के साथ ही साथ यूट्यूब के थ्रू भी दूंगी तो उसको जरूर करें कोई भी डाउट करिए प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जो वो तो करें लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाना है रेमिडीज जरूर करना है राधे राधे